गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? माता जी सबको अच्छा रखे। तो गाइस, आज यूप की छुट्टी है और यूप की किससे छुट्टी है? क्योंकि बारिश हो रही है। ये देखिए, कल से बारिश हो रही है। कल तो छुट्टी नहीं थी इनकी, लेकिन आज इनकी छुट्टी है ना। यू बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही, अभी भी हो रही है। नाना है बारिश। हाँ, अभी तो नाना ही है। बारिश बारिश हो रही है, ये देखो पूरे में कीचड़ कीचड़ है। और जो जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी कीचड़ 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 है। तो इसी वजह से छुट्टी कर दी गई है, बारिश हो रही है। तो इसी वजह से कल स्कूल में भी बारिश हो रही थी। और कल स्कूल नहीं थी पहले में, तब बारिश होती थी, तब मैं रोता था। तब स्कूल में बारिश होती थी ना, तब मैं रोता था। अब नहीं रोता, अब नहीं रोता, अब नहीं रोता बारिश। कल तुम गोदी लेके गए थे आपको, है ना? है ना, लेके कल लेके गए थे गोदी। मामा बेटा, अरे मैं ये कह रहा था कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? कल तो छुट्टी थोड़ी नहीं है, आज छुट्टी है। कल भी है। हाँ, रोज छुट्टी है। मैं सारे नीचे भी आई हूँ। मम्मी का स्कूल स्टार्ट हो गया, आज का स्कूल बंद। कुछ भी, मम्मी का स्कूल स्टार्ट हो गया, आज का स्कूल बंद। बहुत नटकट है जमीन लल्ला, बहुत नटकट है, बहुत ज्यादा नटकट है। मैं कैमरा हिला देखो आपके वजह से ना। नहीं, अभी जा रही हूँ अपना वर्क करने। हैं, चलो वर्क कर लो, चल के, है ना, ट्यूशन का वर्क कर लो। चलो ट्यूशन का, ट्यूशन अभी पढ़ाई करता हूँ। मेरी पिताई करो, कल स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चलो युग को वर्क करना है, युग को वर्क करना है, तो युग वर्क करने जा रहे। चलो वर्क कर लो, चलो मैं नहीं करूंगा, ना ट्यूशन कर लो, शाम को जाना है ना, फिर खेलने को मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलने दो, नहीं मिलने, नहीं मिलने, बढ़िया बात है, इससे अच्छी क्या बात है। कल स्कूल जाने का सब बढ़िया बात है। मेरा नटकट लल्ला है, मेरा नटकट लल्ला। आप सब नटकट होंगे। क्या चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो नहीं, लाइक करो, लाइक करो तो नहीं, जरा शेयर करो। बारिश में मेरे साथ नहा लेना। मैं नहीं कहता, तो मेरे साथ बारिश में नहा लेना। चलो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं नहा लेती हूँ जाके, तो चल नहा लेते हैं, पूजा करनी है। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सोकर, क्योंकि मैंने आज युग की छुट्टी है तो लेट उठेंगे थोड़ा, बस जल्दी उठ जाती हूँ। युग का लंच बनाना पड़ता है, जैसे आप देखती हूँ। तो चलते नहा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं, और आप सब बने रहे मेरे ब्लॉग में। होते युग, आप पढ़ रहे हो? पढ़ाई कर रहे? ये देखो, ये पढ़ाई कर रहे अपनी। अब आप सब सोचो फ़ोन में क्यों कर रहा है, क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहा है, फ़ोन देख के ही पढ़ाई कर रहा है। देखो उस पर टेबल चल रही तो याद भी करता जा रहा है ना, है कर लो है। तो गैस मैं नाश्ता भी कर लिया है, चाय और नमकीन नाश्ते में सब कर लिया। तो गैस खाना का टाइम हो गया, मैं खाना खाने जा रही हूँ। खाने में है आलू के पराठे और चटनी, आज मैं युग वाली प्लेट ली है छोटी सी। और युग सो रहे हैं, ये देखिए युग सो रहे हैं, युग को नींद आ गई है, पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं। युग ने नहा लिया है और कपड़ियाँ गीली कर ली दोबारा से, फिर उतार दी है, फिर सो गए। फिर हमें गर्मी लग रही है, तो चले खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए आके खाना, क्योंकि आज गुरुवार है इसलिए आलू पराठे बने हैं। तो चले खा लेते हैं खाना, प्यार से मिलते हैं और आप सबको सारा प्यार देती रहो। तो गाइस, जो कल आप सबको दिखाया था लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो वो लड्डू बन नहीं पा रहे थे, तो मम्मी ने रख दिए थे रात, मतलब कि रात भर रखे रहे कि कल देखो बनाएंगे। तो आज मम्मी ने बनाए हैं लड्डू, तो देखिए हम और मम्मी ने मिलके बनाए हैं लड्डू, तो बन गए हैं, तो आप सबको दिखाते हैं। फाइनली बन गए, नहीं तो हम तो सोचे बनेंगे ही नहीं लड्डू,
क्योंकि उसमें घी था तो जम गया था, तो वो सही से बन गया क्योंकि ठंडा भी हो गया था और बारिश भी हो रही, मौसम भी ठंडा हो गया, तो उस दिन बहुत गर्मी भी थी और अब गर्मी ज़्यादा नहीं है, मतलब बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम भी होगा थोड़ा, तो इसी वजह से और कूलर में रात भर कूलर के सामने रखे रहे तो इसलिए जम गया, तो अब लड्डू बन गए हैं। तो आप सबको दिखाते हैं लड्डू बन गए, देखो। तो गाइस ये देखिए बन गए हैं एकदम, तो देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। और बस इसे ठंडा मतलब आप जैसे गर्म में मतलब रख दोगे जो हवा ना लगे तो वो पिघल जाएंगे फिर से, क्योंकि घी मतलब ठंडे में ही जमता है ठंडे में, तो इसी वजह से रख दिए रात भर रखे रहे, तो फाइनल अब बन गए हैं ये देखिए। तो तीन प्लेट बन गई, देखो उस प्लेट में इसमें रख दिए, तो ये देखिए बन गए। अब मम्मी इसको पैक करेंगी, तो ये देखिए मम्मी पैक कर रही हैं डिब्बा में, ये देखिए। तो मैंने पहले सारे लड्डू तस्लीम कर लिए थे कि जल्दी से हवा लग जाए, और तो ये देखिए पैक हो गए स्वाति के इंतजार है लड्डू। तो गाइस लड्डू बन गए फाइनली, मम्मी अब पैक कर रही हैं और तो मम्मी अब स्वाति के जा रही हैं देने के लिए लड्डू। तो आप सबने एक कमेंट किया था कि जी तो पानी आपने ज़्यादा डाल दिया है, वो पानी नहीं है वो घी है, वो पिघल गया था इसी वजह, वो घी है पानी बिल्कुल भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप किसी दिन भी आना तो खिला के आपको दिखाएंगे लड्डू कैसे है। तो ये उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद का पानी उसमें प्रयोग नहीं है, एक बूंद भी नहीं डाला पानी, पूरी घी का ही है लड्डू। तो ऐसे जी तो लड्डू तो घी के ही बनाए जाते हैं जो देते हैं मतलब कि खाने को ताकत आए शरीर में, कमजोरी ना आए इसी वजह से। तो या और अब जा रही हूँ मम्मी देने, तो बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय माता दी राधे राधे, बाय बाय। और हर अब आपको डेली इसी टाइम पर इसी वक्त मतलब कि आपको ब्लॉग मिला करेगा डेली इसी टाइम, मेरा यही टाइम फिक्स हो गया, कोई जल्दी नहीं, इसी टाइम पे मैं ब्लॉग डाला करूँगी। सच में आप सब इतना ही प्यार देना और देते रहना, ये नहीं कि आएगा नहीं ब्लॉग, मैं ब्लॉग आएगा मगर मतलब इसी टाइम पे आएगा, ठीक है, और खूब सारा प्यार देते रहना, तब तक बाय बाय।